बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 10th क्लास के इंग्लिश बी के ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बुक भी दिखाऊंगा मैं आज इंग्लिश बी की, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन पंजाब टेक्स्ट बोर्ड लाहौर की तरफ से जो इशू हुई है, इसमें से अगर हम ऐसे तैयार करते हैं तो स्टैंडर्ड ऐसे हैं, इसमें इंशाल्लाह 15/15 मार्क्स बच्चे मार्क्स में विन कर चुके हैं। मगर कंडीशन इसमें यह है कि आपने इसमें ऐसे लिखते वक्त साथ 5 से 6 कोटेशन इसमें ऐड करनी है, इसका बोर्ड पैटर्न और इसको कैसे किस तरह से कोटेशन ऐड करनी है वो सारी प्रेजेंटेशन में अभी आपको रिवील करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे वंस अगेन कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप इनको फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब किया करें, इसको बेल आइकन को प्रेस करें और ऑप्शन को सेट करें ताकि बर वक्त आपको हर नई आने वाली वीडियो का जो लेक्चर है या नोटिफिकेशन है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। और इनमें आप कमेंट्स करें, लाइक करें, दूसरों को भी, दोस्तों को और अपने कजन्स को वीडियो लिंक जो मेरा चैनल का लिंक है वो शेयर करें ताकि बाकी 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी इतना ही मुस्तफ़ीद हो सकें जितना कि आप हो रहे हैं। स्टूडेंट्स तो कम बैक ऑन टॉपिक। मेरा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो 9th-10th की बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, लास्ट पर लिखा हुआ है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। यहाँ से हमने ऐसे तैयार करने हैं, ये ऐसे बिल्कुल स्टैंडर्ड के होते हैं और इसमें से याद किया हुआ जो मवाद हैं उसमें स्टूडेंट्स को पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। आप इसमें 15/15 मार्क्स विन कर सकते हैं। पहले भी के स्टूडेंट्स का माशाल्लाह मेरा रिजल्ट 75/75 आ चुका है। तो ऐसे शुरू करते हैं। नंबर वन, ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये मेरे यूट्यूब पर चैनल का नाम है इंग्लिश विद राना एहसान। तो बेटा आज का हमारा ऐसे है, ऐसे नंबर वन, माई लास्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा आखिरी दिन। इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं कोटेशन से। तो कोटेशंस हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका भी इस चीज़ को जहनशीन कर लें कि जब आप ऐसे लिखें तो आपका जो पेज है वो बिल्कुल ब्लैंक पेज हो, फुल नया पेज आपने यूज़ करना है बोर्ड में ऐसे के लिए। साइडों पे मार्जिन आपने लाजमी लगाने हैं क्योंकि इसी के साथ हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इंतहाई अट्रैक्टिव बनती है और पूरे पूरे मार्क्स हम इसमें विन करते हैं। जी तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। वी डोंट रिमेंबर डेज, वी रिमेंबर मेमोरीज। फर्स्ट पैराग्राफ, द फर्स्ट एंड लास्ट डे एट स्कूल आर ऑफ यूनिक सिग्निफिकेंस फॉर स्टूडेंट्स वाइल द फर्स्ट डे एट स्कूल मे कॉज एन एंग्जाइटी फियर एंड नर्वसनेस द लास्ट डे इज श्योरली a day of hope, confidence and preparedness. The next paragraph हम quotations में add कर रहे हैं, memory is the treasure and guardian of all things. Second paragraph, my last day at school is still fresh in my memory. I felt very relaxed because there was no teaching work that day. My heavy satchel, ये satchel का meaning होता है B-A-G bag. My heavy satchel was off my back at last. It was a big relief. I took the bus quite leisurely and got off at that school bus stop. Next quotation हमारे पास, the true art of memory is the art of attention. Next paragraph, I made my way through small group of school fellows talking noisily and a good many embracing with one another. Our juniors of 9th class hosted a farewell party and
entertained us with a variety of sweet meat and tea. Next quotation. क्वेश्चन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिखिएगा. वेन एवर आई थिंक ऑफ पास्ट इट विल ब्रिंग बैक सो मैनी मेमरीज. लास्ट में फुल स्टॉप लगा के फिर इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. आर वर्थी हेडमास्टर एंड काइंड टीचर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड. फॉर्मल फेयरवेल स्पीचेस वर मेड ऑन द ओकेजन. जहाँ पे वोवल वर्ड आ जाए नेक्स्ट ए ई आई ओ यू तो उससे पहले जो वर्ड होगा उसको हम दी पढ़ेंगे. अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो तो फिर हम इसको दा पढ़ते हैं. ऑन द ओकेजन अ बॉय सेंग अ गज़ल एंड डिलाइटेड द ऑडियंस with his melodious voice. Finally, the headmaster addressed the gathering and advised the students to work with devotion and be well-mannered to get success and prosperity in life. Before dispersing, we thank our juniors for their nice farewell. The last quotation, time moves on, but memories remain. Last pe full stop, ready to commas close. Ji students, ये हमारा पहला ऐसे कंप्लीट हुआ. अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस पे ऐसे ही लर्न करते हैं तो इंशाल्लाह बोर्ड में आप 15/15 मार्क्स विन कर सकते हैं. आप रिजल्ट्स देख रहे हैं कि इंग्लिश में भी माशाल्लाह 75/75 रिज़ल्ट आ रहा है. उन्हीं बच्चों को आता है जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काबिश करते हैं, थोड़ा इसमें दूसरों से हट के लिखते हैं तो फिर उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स पसंद आएँ तो आप इनको कमेंट और लाइक लाजमी किया करें. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आने से पहले स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.